नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। बनारस रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों रुकी ट्रेन की बोगी में मिली मोनिका पाल के शव मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बताया जा रहा है कि मोनिका की हत्या उसके ही कोचिंग के संचालक ने की थी और हत्या को छुपाने के लिए लाश को बोरे में भरकर इंटरसिटी ट्रेन के शौचालय में रख दिया था। आरोपी की पहचान संजय पटेल के नाम से हुई है। देखिए, बीती 19 फरवरी को एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी। थाना कपसेटी क्षेत्र के एक गांव से एक किशोरी के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दौरान मड़वाड़ी स्टेशन से ये जानकारी मिली कि लखनऊ बनारस की एक जो ट्रेन है उसमें एक बोरे में सिला हुआ एक महिला का शव मिला है। बाद में उस शव की पहचान इसी किशोरी के रूप में हुई जो थाना कपसेटी क्षेत्र से गायब हुई थी। इसके बाद जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई और इसके सफल अनावरण के लिए जो थाना स्तर पर टीम है, जोन स्तर पर है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है, इन सभी टीमों को इसके अनावरण के लगाया गया। क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर थी, महिला अपराध से संबंधित थी, इसको तत्काल बहुत ही गंभीरता से लेकर के इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस, हर तरीके की चीज़ें इसमें प्रयोग की गई। इसी क्रम में कल जो पुलिस को सफलता मिली है और इस घटना को जो कारित करने वाला अभियुक्त है जिसका नाम संजय है उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जो पूरी पूछताछ हुई है इसमें ये व्यक्ति बेसिकली जिस गांव की किशोरी रहने वाली थी उसी के ही पास में एक कोचिंग सेंटर चलाता था। कक्षा 10 में किशोरी इसके यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जाती थी, जिस दौरान इनकी बातचीत होनी शुरू हुई। इसके बाद इनमें नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई। इस व्यक्ति ने किशोरी को बहला फुसला करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए। ये बात तकरीबन सितंबर 2023 की है जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है। नवंबर दिसंबर के आसपास किशोरी के द्वारा इसको बताया गया कि वो गर्भवती हो गई है। चूँकि ये जो टीचर था जो कोचिंग चलाता था ये पहले से शादीशुदा था, इसके बच्चे भी थे, तो इसी बैकग्राउंड में इसको ये लगा कि यदि ये बात पब्लिक होती है तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और दिसंबर के महीने से ही इसने किशोरी की हत्या करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। और जो मोड है, जिस तरीके से हत्या हुई है कि उसको मारने के बाद बोरे में लाश भरी गई है, ये पूरी योजना ही इसने दिसंबर में ही तैयार कर ली थी कि मुझे इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और उसी के अनुपालन में जो बोरे आदि हैं ये इसने दिसंबर में ही खरीद लिए थे। बोरे, उनको सिलने का सामान, सारी चीज़ें इसने दिसंबर में खरीद ली थी। इसके बाद भी ये किशोरी से लगातार मिलता रहा था जब भी इसको मौका मिला, लेकिन हत्या करने का मौका इसको नहीं मिल पाया था। जब हत्या हुई है दिनांक 19 फरवरी को, उसके तकरीबन 3-4 दिन पहले किशोरी इसके पास आई थी वापस से प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर के ही। तब इसके द्वारा उसको बताया गया कि मैंने दवा आदि इंजेक्शन जो भी है गर्भपात के लिए वो ढूंढ लिया है और सोमवार को तुम यानी कि 19 तारीख को मेरे यहाँ पे आ जाना, उसके बाद मैं ये दवा है एडमिनिस्टर कर दूँगा। इसी की बातों में आकर के किशोरी 19 तारीख को अपने घर से ये बता करके निकली कि मैं अपने दोस्त के यहाँ कुछ किताबें लेने जा रही हूँ, लेकिन वो इस टीचर के यहाँ पर गई। उस दिन इसकी कोचिंग पर उस वक्त पे कोई नहीं था, इसने पूरी तैयारी कर रखी थी। किशोरी के आने के बाद इसने वापस से पहले वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया, जिस पर किशोरी द्वारा मना किया गया। फिर गर्भपात का इंजेक्शन लगाने के लिए इसके द्वारा किशोरी को बाहर ले जाया गया कि इसमें ब्लीडिंग बहुत होगी, कमरे के अंदर नहीं हो पाएगा, बाहर बाउंड्री के अंदर ही बाहर इसके द्वारा ले जाया गया। और ये बताते हुए कि इंजेक्शन जो लगेगा इसमें बहुत दर्द होगा, तुम्हें शोर ना मचाओ, इसके लिए उसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया। क्योंकि बच्ची छोटी थी इसकी बातों में आ गई। टेप लगाने के बाद इसके द्वारा उसको बच्ची को दाबा गया, किशोरी को दाब करके उस पर बैठा गया और पन्नी से बुरी तरीके से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई। तुरंत ही जो इसने बोरे पहले से तैयारी करके रखी हुई थी उस बोरी में बच्ची का शव भरा गया, उसको सिला गया और इसके बाद उसको शव को वहीं कोचिंग पर ही अपनी बाउंड्री के अंदर ही इसने रख करके छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपराधिक मानसिकता है इसकी, इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी, इतना बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी वापस से 2 बजे से इसने कोचिंग पढ़ानी शुरू करी। इसमें बच्चे आ करके इसके यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, इसने पूरी कोचिंग पढ़ाई, सारी कोचिंग शाम की ख़त्म करी, शव वहीं पर रखा रहा इसके यहाँ पर। अगले दिन इसको ये पता था कि सेवापुरी स्टेशन से ये ट्रेन गुजरती है जो कि लखनऊ की ओर जाती है। ये पूरी योजना इसकी पहले से थी, इसकी तैयारी ये थी कि शव को मैं इस ट्रेन पर रख दूंगा, जिसके बाद ये शव लखनऊ पहुंच जाएगा और यहाँ पे किशोरी सिर्फ लापता रहेगी, इसका शव नहीं मिलेगा तो ये केस का कुछ खुलासा नहीं हो पाएगा। वो ट्रेन पर इसने सुबह 5 बजे ही अपनी मोटरसाइकिल ले करके निकला, उसमें शव को इसने बांधा और चूँकि अंधेरा बहुत रहता है, छोटा स्टेशन है, वहाँ भीड़ नहीं होती है,
इसके द्वारा उस बोगी में ये बॉडी चढ़ा दी गई और जब तक ट्रेन चली नहीं गई तब तक ये वहीं वेट करता रहा। जब ट्रेन चली गई तो इसलिए वापस आ गया, परंतु चूंकि शव लखनऊ में कहीं पर डिटेक्ट नहीं हुआ, जब वापस वो ट्रेन मड़वाडी आई वहाँ पर शव मिला, उसके बाद जो आगे की सारी मुकदमा पंजीकृत किया गया, सारी चीज़ें हुई, उसके आधार पर फिर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वर्ष पहले, तकरीबन 10 वर्ष पहले भी एक स्कूल में पढ़ाता था, जो अब तक प्राथमिक जानकारी मिली है, वहाँ भर भी एक बच्चे के साथ ऐसा ही कुछ करने का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसके बाद इसको स्कूल से निकाल दिया गया था। वो एक अलग प्रकरण है जी। ट्रैक कैसे किया पुलिस ने? इसमें लगातार देखिए, मैंने जो बताया कि मैनुअली भी हमारा इनपुट लगातार टीम्स लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक भी इनपुट्स लगे हुए थे, क्या बच्ची जो थी किशोरी थी उसकी किससे किससे बात हो रही थी, किसके किसके संपर्क में थी, तो सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। उसी क्रम में रूटीन इंटरोगेशन के क्रम में इस जो टीचर है इससे भी बातचीत की गई थी। बातचीत होने के तुरंत ही बाद इसका जो कंडक्ट था वो बहुत सस्पिशियस हुआ, ये गांव वगैरह छोड़ करके ये तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब कुछ और चीज़ें में मालूम चली, उसको पूछताछ उसको ढूंढा गया तो मालूम चला कि ये गांव वगैरह छोड़ करके कहीं भाग गया है, तो शक और गहराता गया। फिर और जो बाकी चीज़ें, इसका पुराना कंडक्ट कि पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, बच्ची इसके आती जाती रहती थी, ये सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी। और जब ये गिरफ्तार हुआ इसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया और सारी चीज़ें बताई हैं, जिसके आधार पर साक्ष्य भी बरामद हुआ। सर, एक दिन घटना आपके नहीं बदली जी? बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी आई है और जो इसने पूरा घटनाक्रम का विवरण दिया है, ब्यौरा दिया है, वो ऐसा प्रतीत होता है अभी तक कि इसने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस केस के खुलासा करने में टीम को किस प्रकार से जी, इसमें जो टीम इसमें खुलासा करने में लगी हुई है, टीम का विवरण भी प्रेस नोट में दिया गया है। इसको DCP गोमती सर की तरफ से 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे VExpert News। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।